अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है सब दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त अहमर खोखर। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमर के नाम से। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं इंडिया के नीरज चोपड़ा पर, जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। तो देखेंगे क्या क्या लाइफ स्टाइल है इनका, किस दिन पैदा हुए और क्या क्या इनके पास है। तो फिर देखते हैं, हम गेट एवरेज के रिएक्शन देते हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया वालों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो गोल्ड मेडल जीता है हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि ये हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो इस वजह से। तो एक लाइक कर दे, तो फिर रिएक्शन देते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा आज हर जगह छाए हुए हैं। ओलंपिक्स के इतिहास में अब तक इंडिया को 9 गोल्ड मेडल मिले थे, लेकिन अब उन्होंने 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया है। नीरज ने जेवलिन थ्रो में एक हिस्ट्री क्रिएट की है और वे पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। जिसके चलते आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इनके गोल्ड मेडल जीतने से खुशी हुई है तो इनके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था और इस समय इनकी उम्र है 32 साल। नीरज चोपड़ा गरीब किसान परिवार से आते हैं और 11 साल की उम्र में ही नीरज चोपड़ा मोटापे का शिकार हो गए थे। उनका वजन बढ़ता हुआ देख घर वालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज को खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी, जिसके बाद से वे वजन कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। और दोस्तों, एक आम भारतीय लड़की की तरह ही इनकी पहली पसंद भी क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन स्टेडियम में जेवलिन थ्रो प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं तो इसको और भी ज्यादा दूर फेंक सकता था। और दोस्तों, यहीं से नीरज चोपड़ा के मन से क्रिकेट आउट हो गया और जेवलिन थ्रो ने एंट्री ले ली। नीरज पेशे से एक एथलीट हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा के कैरियर के बारे में। नीरज सबसे पहले 2012 में एथलेटिक चैंपियन में मेडल जीतने के बाद से नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF अंडरवर्ल्ड 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था और इसी अचीवमेंट की वजह से उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट मिल गई थी। अब आर्मी में जॉब मिलने के बाद से नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता एक किसान हैं और माँ एक हाउसवाइफ और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए सब मेरे लिए खुश हैं। उन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकता हूं। हालांकि जॉब पाने के बाद से भी नीरज ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आगे चलकर 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में इन्होंने 88.06 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। लेकिन दोस्तों, 2018 में ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस के बाद से नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए और इसी वजह से वो काफी वक्त तक खेल से दूर रहे थे। हालांकि दोस्तों, सही समय पर वापसी करते हुए नीरज ने इतिहास रच दिया और 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। इनके माता पिता और परिवार की फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नीरज की इनकम के बारे में। नीरज की पर मंथ सैलरी है 50,000 रुपए। इसके अलावा इनके घूमने फिरने और रहने का खर्चा गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नीरज की नेटवर्थ के बारे में। 2021 के अनुसार इनकी नेटवर्थ हो चुकी है 2 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, आपको नीरज का घर दिखाते हैं। नीरज पहले एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहा करते थे हरियाणा में, लेकिन धीरे धीरे कुछ पैसे आने के बाद इन्होंने अपने लिए एक आलीशान घर बनवाया है हरियाणा में और इन फोटोज और वीडियोज में आप इनके घर की झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नीरज की कार्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट पर इनकी कार्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी नीरज चोपड़ा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी इनके गोल्ड मेडल जीतने पर खुश हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस एथलीट पर देखना चाहते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। बहुत ज्यादा यार मजा आया नीरज चोपड़ा की लाइफस्टाइल देखकर। पहले नहीं था पता किसका क्या क्या लाइफस्टाइल है, ना ही तो मैं पहले से जानता था। जब इसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो इसने पूरे पाकिस्तानियों के भी दिल जीत लिए और इंडिया के भी दिल जीत लिए, क्योंकि यार बुढ़ा हो गया अब तो मैं इस बंदे का फैन हो गया नीरज चोपड़ा का। यार एंड कर दी इसने 87 मीटर की, यार इसने कमाल हो गया। तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा इसका लाइफस्टाइल। तो जो जो पहले नीरज चोपड़ा को नहीं था जानता वो पहले लाइक करे। मुझे तो उम्मीद है कि इंडिया वाले सब जानते होंगे क्योंकि इनका हीरो है, कौमी हीरो है। तो इसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया यार नीरज चोपड़ा ने, कमाल हो गया। एंड लेवल कर दे इस बंदे ने।
तो यार दुख भी हुआ एक बार का, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें था, वो बाहर हो गया, 5वें नंबर पे आया था। तो खुशी तब होनी थी जब पाकिस्तान का भी कोई आता 2 या 3रे नंबर में या 1ले नंबर में। तो फिर भी कुछ नहीं होता, नीरज चोपड़ा हमारा हमसाया मुल्क में रहता है, हमारे हमसाया कंट्री में रहता है। तो फिर इस वजह से मैंने उसे लाइक किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।